नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नितेश पाटीदार, आप देख रहे हैं एसके न्यूज नेटवर्क। कहते हैं हमारे साथ पंडित जी श्री शास्त्री जी हैं, उनका चर्चा बाद में हम करेंगे। आपका नाम और कुछ दर्शक भी बता रहे थे कहां से विराजमान करते हैं गुरु जी, लेकिन इससे पहले यहां आकोड़ा की नगर की बात की जाए तो 11 लाख की पावन धरा पर श्री शास्त्री जी पधारे थे पहले भी, और देखा जाए तो यहाँ पर जो नागरिक हैं सभी ने मिलकर नानीबाई माहिरे का भव्य आयोजन किया है। एक बेटी के ऊपर भी गुरुजी ने द्वितीय दिवसी के दिन पर यहाँ पर काफी अच्छा संदेश आकोड़ा नगर वासियों को दिया था, उसी को लेकर हम चर्चा भी करेंगे। गुरुजी सर, स्वागत है आपका। श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णा वयम नमः। अपन हिंदुस्तान भारत में रहते हैं और भारत की परंपरा है कि अपनी संस्कृति कभी इंसान को भूलना नहीं चाहिए और इसी सांस्कृतिक के साथ अपने को जीवन जीना है। आज की दुनिया में बेटी, जब भी बेटी अपने घर में जन्म लेती है तो हर जगह चर्चा होती है कि बेटी पराई है, और एक दिन वो वापस ससुराल जाती है तो वहां पे जाके गए वहां पर भी यही सुनने में आता है कि ये बेटी पराई है। तो बेटी रो रोकर विचार करके कहती है कि मतलब मेरा क्या है जीवन में, मैं इधर से भी पराई हूं उधर से भी पढ़ाई हूं, तो मतलब मेरा जीवन में क्या है। यही संस्कार अपनों ने नानीबाई के माहिरे में लोगों को सुनाया और समझाया कि बेटी है तो देश है, और संत लोग हैं तो कथा के माध्यम से लोगों को जोड़ रहे हैं। और एक विशेष चर्चा अपनों ने यह भी डाली है कि अपने जो गौशाला चली है, इस गौशाला में जितना होगा एक बार अपन श्रीमद भागवत कथा करेंगे, और जितना भी सहयोग आएगा जितना भी एक समझे अपन सहयोग पूरा का पूरा गौशाला में अर्पण करेंगे। जैसे कि सर आप गुरु जी आपने बताया कि गौशाला का सहयोग हुआ, नवनिर्मित गौशाला है, और कुछ भक्त लोग ऐसे रहते हैं कि देखा जाए आपकी कथा में भी हमने सुना था कि वो की सेवा करना चाहिए, लेकिन जो भक्त रहते हैं उनके लिए क्या संदेश रहेगा? कुछ जैसे गाय का बछड़ा वगैरह छोड़ दीजिए, क्या मानते हैं कौन सा संदेश आप उनको देंगे? देखो ये है कि अपने परंपरा कहती गई है कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवता का वास, और गौ माता ही आज की दुनिया में साक्षात रूपी भगवान। भाई गौ माता का जब तक नेत्र नहीं आता है, जब तक गौ माता का दूध नहीं आता है, माता कोई सा भी पूजा कार्य भी प्रारंभ नहीं होता है। तो गौ माता लास्ट में जब अपना देहांत हो जाता है अपन जाते हैं तो लास्ट में वेतनी पार करते हैं, तो वेतनी पार करती है तो अपने को गौ माता करवाती है। तो गौ माता की जितनी सेवा की जाए उतना ही सबसे बढ़िया है और सबसे बड़ा धर्म है। और हम भी गौशाला से जुड़े हुए हैं, उस गौशाला से जिस दिन से जुड़े हैं वहां ऐसा लग रहा है कि आज वो बोधिना बोधिना ना, वो एक ब्रज धाम बन गया है। ये गौ माता की एक विशेष अर्चना है। गौशाला आपने कहा जैसे कि गौशाला जो बोधिना है, और आपका जो गांव है वो भी हमारे दर्शकों को बताए, और कौन सा जिला आपका? हम रहते हैं सांगागढ़ा तहसीलदार जिला रोहतक। रतलाम मध्य प्रदेश का जो जिला है वहाँ से आते हैं, और तमाम जो दर्शक हैं यही जानना चाहते थे कि गुरुजी कथा के साथ साथ कहाँ पर विराजमान करते हैं। तो आप सांगाखेड़ा के निवासी हैं, और गुरुजी आखिरी सवाल ये रहेगा कि आपने कथा का जिक्र भी किया है, नानीबाई माहिरे को लेकर क्या विशेष महत्व रहता है, समस्त लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे नानीबाई के माहिरे का ये महत्व है कि जब अपने घर में बेटी बड़ी हो जाती है, विदा होती है, तो विदा होने के बाद वो एक आशा रखती है कि एक बार मेरा पियर का परिवार आएगा, मेरा भाई आएगा, और मेरे पूरे परिवार ससुराल पक्ष को खुश रखेगा, और जब बेटी खुश रहेगा तो समाज जब खुश रहेगा। गुरु जी आज अंतिम दिन भी है, आज आकोला का तृतीय दिवस ही आज समापन की ओर है, ये जो भक्त खड़े हैं देखा जाए तो बता रहे थे कि आज अंतिम दिन है, और अन्य जो भक्त हैं आस पास गाँव के लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नागरिकों के लिए क्या समय आज कथा का रहेगा और किस प्रकार की रूपरेखा? शाम को 6 बजे से कथा का समय रहेगा, और आज नानीबाई का माहिरा मनाया जाएगा बिल्कुल अच्छी व्यवस्था के साथ, द्वारिकाधीश भगवान के द्वारा सांवलिया सेठ के आशीर्वाद से पूरे गांव समाज जन एकत्रित होंगे, और 9:30 बजे के समय माहिरा मनाया जाएगा नानीबाई को। ये थे पंडित ललित जी शास्त्री, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण संदेश ग्राम आकोबला में हमसे चर्चा के दौरान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और एसके न्यूज नेटवर्क जिला ब्यूरो, नितेश पाटीदार, आकोबला।